अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरे सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा थ्रेडिंग का पार्ट 3, जिसमें हम सीखेंगे कि आईब्रो थ्रेड किस तरह से की जाती है। पिछले में हमने सीखा था अपर लिप किस तरह से किए जाते हैं, थ्रेड कैसे चलाया जाता है। तो आज हमारा पार्ट 3 है। इसमें देखें मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। ये पेंसिल यूज़ कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, कैंची ली है, सीज़र ली है और धागा ली है, ठीक है। और हम लेंगे साथ में पाउडर। ये जो पाउडर है ये दर्द शरद कम नहीं करता। कुछ लोग आते हैं कहते हैं आप ही पाउडर लाजमी लगाना, हमारा दर्द कम हो जाएगा। तो ये दर्द शरद कम नहीं करता है। इससे क्या होता है कि जो पसीना सीना आया होता है या स्किन थोड़ी सी वेट होती है या फिर ऑयली सी होती है तो वो थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो फिर जो है हाथ फिसलता नहीं है और धागा फिसलता नहीं है ईजीली, जो हम थ्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कर रहे हैं जी आईब्रो थ्रेडिंग। आईब्रो थ्रेडिंग के लिए मैंने ये मैरून पेंसिल इसलिए ली है ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके, ब्लैक के साथ ही स्मच हो जाए आपको पता ही नहीं चले, इसलिए मैंने मैरून वाली ली है आपको समझाने के लिए, ठीक है। जब हमने आईब्रो बनानी है हमने क्या करना है, अगर आप बिगनर हैं स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, इस तरह से नोज़ के पास से आपने एक लाइनें दोनों की तरफ बराबर लगा लेनी है, फिर आपने शेप के अकॉर्डिंग आपने एक लाइन खींच लेनी इस तरीके से, जैसे ये देखें मैं खींच रही हूँ, ठीक है। मैंने वीडियो बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया, अगर मैं फ़ास्ट करूँगा तो क्या फ़ायदा आपको कोर्स सिखाने का। तो ये मैं जो कोर्स सिखा रही हूँ इसमें मैं जो है ना वीडियो ज़रा भी इसमें फास्ट नहीं किया, आपको एक एक चीज़ बताऊँगी। ये देखें सबसे पहले हमने क्या करना, जो हमारी चुंजी होती है ना आईब्रो की हम होती है उसके ऊपर हमने एक निशान लगा लेना है। तो हमने जो फ्रंट वाली हमने लाइन लगाई थी उसको हमने तिरछा उस जो है चुंज के साथ मिला लेना है उस डॉट के साथ, और फिर हमने उसी अपनी जो आईब्रो है उसी की अकॉर्डिंग जो है हमने पेंसिल को चलाते हुए नीचे की तरफ ले आना। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ, आप गौर से देखें, ठीक है। तो जिसको नहीं पता, जो नए हैं, नए बंदे आए हैं, जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया, पहली दफ़ा मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो पीछे जाके देख सकते हैं, मैंने कोर्स स्टार्ट करवाया है पार्लर का फ्री में, फ्री ब्यूटिशियन कोर्स मैंने सिखाया। ये प्रोफेशनल कोर्स होगा, ठीक है, इसमें A to Z सारी चीज़ें बताई जाएंगी। पिछले दिनों में वीडियो नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि कुछ बस मसरूफियात थी बहुत ज़्यादा, इसलिए तो एक साइड पे मैंने निशान लगा लिया, दूसरी साइड पे ये देखें अब मैं इंशाल्लाह डेली मैं वीडियो जो है ना वो किया करूँगी, पोस्ट किया करूँगी। तो अब मैं दूसरी साइड पे भी निशान लगा रही हूँ, ये देखें इस तरीके से इसको मैंने क्या किया, एक जो फ्रंट वाली लाइन है उसको मैंने डॉट के साथ मिलाया, जो तिरछा मैंने डॉट लगाया वैसे चुन के ऊपर, और फिर उसको नीचे की साइड पर शेप के अकॉर्डिंग मैं देखें लाइन लगा रही हूँ। जितनी आपको शेप चाहिए ना आप उतनी जो है ना लाइन लगा लें, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आती है कि किस तरह से निकालें किस तरह से निकालें, फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आईब्रो को शेप देना, आईब्रो को बनाना। तो बहुत डिटेल से मैं एक एक चीज़ समझाऊंगी तो आपने गौर से समझनी है, और कमेंट में मुझे बताया करें कौन कौन न्यू आया और किस किस को समझ आई किस किस को समझ नहीं आई, ठीक है। तो ये देखें जी, ये इस तरह से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी तो मैंने कहा उसको सेट करके आपको दिखाऊं। तो देखिए दोनों साइडों पे मैंने जो है ना आईब्रो की शेप के अकॉर्डिंग मैंने पेंसिल लगा ली है ताकि जो है आपको सही तरह नज़र आए, इसीलिए मैंने मैरून पेंसिल उठाई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलाएँगे थ्रेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे कैंची। कैंची से हमने क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना इस तरह की, देखिए टिड्डी सी जिसका पेट सा निकला हुआ हो, यार इसको क्या बोलते हैं, डिंगी सी कैंची हो ना, इस तरह की हमने कैंची लेनी है। इससे जो है ना बहुत इजी होता है कटिंग करना आईब्रो की शेप का। छोटी सी कैंची होनी चाहिए, बहुत बड़ी पता चले कपड़े काटने वाली कैंची ले ली है, वो वाली कैंची नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से हमने थोड़े से बाल ऊपर की तरफ करना है, चाहे तो आप स्पूली के साथ कर लें चाहे आप इसके साथ कर लें, ठीक है। तो आपने बालों को इस तरह से आपने हाथ को घुमाते हुए दूसरी साइड को आपने जो है कट करना, उसी साइड पर खड़े होते करेंगे ना तो वो ज़्यादा कट हो जाएंगे और आपकी शेप सारी बर्बाद ख़राब हो जाएगी। तो ये देखें जी इस तरह से मैंने कर लिया बालों की कटिंग। सबसे पहले हमने कैंची ली है, फिर हमने लेना है धागा। धागा जो है मैंने ये वाला लिया है, ठीक है। ये वाला जो है कॉटन वाला धागा होता है, इजीली बाज़ार से मिल जाता है। आपने क्या करना है, जाके किसी भी कॉस्मेटिक के शॉप पे जाएं, आप बोलें कि हमें थ्रेडिंग वाला धागा दे दें या आप बोलें थ्रेड दे दें हमें, ठीक है। तो वो ये वाली नलकी दे देंगे, ये 200-250-300 अपने अपने रेट्स आपने लगाए हुए हैं, कहीं से 200 की मिलती है, कहीं से 250 की, कहीं से 300 की, कुछ लोग तो 150 की भी दे देते हैं, पता नहीं वो कौन लोग होते हैं, ठीक है। 200-250-300 तक के ज़्यादा तक देते हैं। मैंने ये लाई थी 200 पता नहीं 80 की 50 की इतने की ये मिलती है, वैसे मैं डब्बे के डब्बे लाती हूँ। तो ये ख़त्म हो गई थी, मैंने कहा चले वो टेम्परेरी तौर पे ले लूँ, तो वो क्या हुआ कि 250 की पता नहीं 280 की उन्होंने दी, इतने की ये मिल जाती है आपको। आपने 10-20 वाली कपड़ों वाली नलकी आपने नहीं उठा लेनी, वो क्योंकि वो बहुत तंग करती है, बार बार धागा टूटता है। तो चले जी बाकी बातें बाद में करते हैं, मैं आपको बताऊँ कि मैंने क्या किया है। ये देखिए हमने धागे को हमने जो है बल दिए हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था थ्रेडिंग वाला धागा किस तरह से पकड़ते हैं, चलाते हैं, सिखाते हैं, वो मैंने सारा आपको सिखाया। तो ये देखें जी बल दिया, बल देके हमने दरमियान से इस तरह से तिरछा सा धागा रखना है और हमने इस तरह से दरमियान से जो है इसकी पहले थ्रेडिंग करनी है, बाल सारे निकाल लेने हैं, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन हमने लगाई है इसके अकॉर्डिंग हमने धागा चलाना है। लाइन के ऊपर ऊपर वाली साइड पर धागा चलाना है, नीचे नहीं चलाना। सबसे पहली बात का आपने क्या ख्याल रखना है, आपने कभी भी जो है स्किन को ढीला करते हुए धागा नहीं चलाना है। जैसे मैंने पहले आपको चला के बताया, आपने इस तरह से स्किन को टाइट करवाना है, ऊपर की तरफ ऊपर को और नीचे की तरफ नीचे को खिंचवाना। अगले बंदे से इसको बोलें कि थोड़ी सी वर्जिश करें, इस तरह से खींचें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने जो आपने लाइन लगाई थी उस लाइन के बाहर रहते हुए आपने जो है इस तरह से धागा चलाना है। देखें यहाँ से आप, मैं तिरछी लाइन लगाई तो मैं धागा भी कैसे चलाऊंगी, तिरछा सा चलाऊंगी। ये देखें यहाँ से धागा भी मैं किस तरह से चलाऊंगी, तिरछा सा चलाऊंगी, ठीक है। ये देखें जी, इस तरीके से, इस तरीके से तिरछा धागा चलाऊंगी। जिस तरह से, जिस मतलब तरह से शेप बनी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपने चलाना है। यहाँ से गोल होती है तो मैं गुलाई में चलाती, ठीक है। कोई कभी गोल वाली शेप भी बना के बताऊंगी। तो अब ज़्यादातर हम वालियों का वो ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए मैंने हम वाली पहले बताई है। तो ये देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ये देखिए उस लाइन के अकॉर्डिंग ऑर्डिंग मैंने धागा रखा, धागे को टाइट किया। छोटी चूड़ी का मतलब ये जो बाल से हैं छोटे से दिए हुए हैं, और पर जितने बाल निकालें उतना मैंने धागा चलाया और फिर मैंने धागे को उठा लेना है। तो इस तरह से आपने भी इसी तरह से करना है। क्या करना है, ऐसे स्लोली आपने धागा चलाना है। आपने नहीं जल्दी नहीं करना, अगर आप बिगनर हैं, आप शुरू में आप कर रहे हैं तो आपने ये नहीं करना कि नहीं जी मैंने फलाइन जगह पे देखा था वो तो 5 मिनट में आईब्रो करके परे करती है और मेरा तो 2 घंटे लग रहे हैं। भाई आप न्यू हैं, अगले की प्रैक्टिस हुई होती है, इसलिए आप न्यू चला रहे हैं। आप आस्ते आस्ते चलाएँ, आस्ते आस्ते करते करते इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप भी 5 मिनट में कर लेंगे। तो ये देखें जिस साइड को बालों की शेप है, जिस साइड को मैंने धागे के पेंसिल लगाई हुई है, उसी साइड को मैं देखे धागा लेके जा रही हूँ। मैं स्ट्रेट नहीं रखूँ, स्ट्रेट रखूँगी तो दरमियान से सारी आईब्रो उड़ जाएगी। इस तरह से ये देखें, इस तरह से मैं धागा घुमाते आराम आराम से स्लोली जो है ये बाल सारे निकाल रही हूँ। ये देखें इस तरीके से, सबसे पहले आपने नीचे से नीट कर लेना है, फिर आपने शेप के साथ साथ उसको नीट करते हुए जाना है, साथ साथ अगले बंदे से हाथ टाइट करवाते जाना। जब आप हाथों से स्किन को टाइट करवाएंगे कभी भी आपको कट नहीं लगते। कट लगने का रीज़न यही होता है कि आपकी स्किन होती है ढीली और आप उस पर देर दौड़ धागा चला रहे होते हैं और फिर कट लगते हैं बेशुमार। तो इसलिए कट नहीं लगेंगे जब आप स्किन को टाइट करवाएंगे। अभी देखते हैं ये जो एक्स्ट्रा बाल है मैंने सिर्फ ये निकाले हैं इधर वाली शेप से, ये देखें और बिल्कुल शेप नीट एंड क्लीन हो गई। इसको बोलते हैं शेप को नीट करना। अगर आपने बहुत ज़्यादा शेप बनानी है, पतली करनी है, फिर आप इसी के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा आप लाइन कम करके लगा रहे हैं और उस लाइन के अकॉर्डिंग आप जो है धागा चलाते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी कितने मज़े की शेप बन के रेडी हो गई। अगर आपको इस पे समझ नहीं आया, मैं दूसरी पे आपको डिटेल से समझाती हूँ, दूसरी आईब्रो पे, ठीक है। तो ये देखें जी, एक्स्ट्रा आपको बाल नज़र आ रहे हैं, ये सारे हमने नीट करने हैं। किस तरह से नीट करने हैं आप देखें जी, ये वाली फ्रंट वाली हमने आईब्रो की हमने फ्रंट पे करके की। अब ये जो बैक वाली है, इसके बाल जो है दूसरी साइड को मुड़े हुए हैं, तो हमने इसको बैक पे जाके, ये देखें बैक पे जाके हम इसको करेंगे बालों के अकॉर्डिंग। जिस साइड को बालों का रुख होगा ना, उसी साइड को हम उल्टे साइड को हम धागा चलाएंगे। देखिए बालों का रुख किस साइड को है, मैं धागा किस साइड को चला रही हूँ, और धागा जो है मैं लाइन से ऊपर रख रही हूँ, बिल्कुल भी लाइन से नीचे नहीं आ रही, ये जो मैंने लाइनें सी लगाई हुई हैं, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से करना है, एक लाइन सी लगा लें, ड्रॉ कर लें, फिर आप इजीली धागा चलाएं आराम आराम से। अगर आपको धागा चलाना नहीं आता, मैंने पिछली वीडियो में बताया, मैंने जो पहला मैंने कोर्स स्टार्ट करवाया थ्रेडिंग का, मैंने करवाया कि थ्रेडिंग पे मैंने बताया कि आपको धागा किस तरह से चलाते हैं, किस तरह से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई हैं, वो आप मेरी जाके पहली वीडियो देख लें, ठीक है। तो आप धागा सीख जाएंगे, मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से बताया। आप ये प्लेलिस्ट में जाएं, अगर आपको नहीं नज़र आ रही तो आप जो प्लेलिस्ट में जाके मेरा फ्री ब्यूटेशन कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है ना उसको ओपन करें, उसमें आपको पहली वीडियो जो है वो धागे शागे की ही नज़र आएगी। अब आप नीचे से देखे कर रहे हैं आईब्रो को मैंने क्या किया, लाइन के जो मैंने लाइन सी लगाई थी उसके अकॉर्डिंग ऑर्डिंग थोड़ा थोड़ा लेके धागे में बाल थोड़े थोड़े लेके इस तरह से चला रही हूँ। ये देखिए आराम आराम से, इस तरह से अगले बंदे को दर्द भी नहीं होता है। आप एक ही दफ़ा जब पकड़ कर सारे बाल निकालते हैं ना, अगले को दर्द भी होता है, कट भी लगते हैं, तो इसलिए जो है ना आप धागा इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ना थोड़ा थोड़ा करके बाल निकाला करें तो फिर बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, ठीक है। ये देखें इस तरह से, जिस तरह से मैं आराम आराम से मैंने बिल्कुल भी वीडियो फास्ट नहीं किया, जिस स्पीड से मैं चला रही थी सिखा रही थी मैं उसी स्पीड मैंने वही स्पीड रखी है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। ये देखें जिस साइड को शेप मुड़ती जा रही है उसी साइड को मैं धागा मुड़ती हुई जा रही हूँ इस तरीके से। अब 2-4 दफ़ा ये वाली वीडियो देखना ना, इंशाल्लाह आपको आईब्रो करना जो है ना वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने स्लोली धागा चलाना है आराम आराम से, कोई नहीं पीछे लगा हुआ। आप प्रैक्टिस करेंगे 5-7 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। पहले आप आईब्रो की शेप को समझें कि अगले की जो शेप बनी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपने एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं। पहले इस तरह से शेप बनानी है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि पतली कर दो, फिर उसी में से दो दो बाल और लेके दो एक लाइन लेके
वो निकाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी शेप पतली भी हो जाती है और या दरमियानी हो जाती है, जैसी भी आप रखनी चाहिए। ये इन्होंने मोटी मोटी रखवानी थी इसलिए मैंने इनकी शेप को नहीं छेड़ा, बस जो एक्स्ट्रा बाल थे उसको नीट किया। उसके लिए मैंने पहले पेंसिल लगाई है, पेंसिल के बाद जो बार बार बाल थे उन सारों को हमने नीट किया। ये देखें इस तरीके से। तो पाउडर आपने लाजमी लगाना है, आपने स्किन को लाजमी टाइट करवाना है और आपके कभी भी काट नहीं लगता। देख लें आपने कोई काट नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल जो है बहुत ज़बरदस्त ही आईब्रो हो गया। अब आपने क्या करना है, अब हमने लेना है ट्यूज़र। ट्यूज़र आप कोई भी ले लें, किसी भी कंपनी का ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे जो इक्का दुक्का बार रह गया आपने उसको ट्यूज़र करना है, ना कि आप धागे से करने के चक्करों में वहाँ पे उसको अगले को टक शक लगा दें, ठीक है। तो आपने अब नीचे देखना है, कोई भी अगर आपका बाल है तो आपने उसको इस तरह से पकड़ कर नहीं निकालना, आपने ऐसे पकड़ना है दोनों उंगलियों से, ठीक है। ऐसे स्किन को टाइट करना है, टाइट करते हुए आपने डायरेक्ट नहीं निकालना, आपने टाइट करना है, टाइट करते हुए आपने इस तरह से स्किन को यानी कि अगले की आँख शक की बाहर निकाल दें। तो आपने क्या करना है, लाइट हाथों से आपने स्किन को टाइट करना है। देखें मैं बिल्कुल लाइट हाथों से किया, अगले कोई पेंशन उसको इनको कोई पेंशन नहीं हो रही है, ठीक है। तो लाइट हाथों से आपने स्किन को टाइट करना है और जिस साइड को बालों का रुख है उसके उसी साइड को आपने उनको खींचते हुए जाना है ट्यूज़र से। तो इनका कोई बाल ही नहीं बचा था, स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी। और लास्ट पर देखो एक दो बाल बचा का मैं निकाल कर खाती हूँ, यहाँ पे कोई एक गद्दा बचा है तो उसको भी हम जो है ट्यूज़र से निकाल लेंगे। जो बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा हेयर होता है उसको हम कोशिश करेंगे कि ट्यूज़र से निकालें, ना क्या थ्रेड वहाँ पे बार बार चलाएं। अगर बार बार थ्रेड चलाएंगे एक अगले को ज़ख्म बन जाते हैं, दूसरा जो है टाचा सा पड़ जाता है, ठीक है। टाचा मतलब टक लग जाता है। तो इस तरीके से जो है आप आईब्रो कर सकते हैं। जिसको समझ आई है वो मुझे कमेंट में लाजमी बताया कि उनको समझ आई है या नहीं आई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। ये रहेगी इसकी फाइनल लुक, ये देखें, ठीक है। ये रही फाइनल लुक बिल्कुल बाल के साथ बाल, बिल्कुल बाल के साथ बाल, ठीक है। ये रहेगी फाइनल लुक, कैसे लगी आपको।